हेलो फ्रेंड, हाय। आपका अपना बुटीक में स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ आस्तीन का ड्राफ्ट फर्मा कटिंग काटने का तरीका, जिसके प्रकार ये हैं। पिछले वीडियो में मैं आपको कटोरी का ड्राफ्ट, आर्म होल का ड्राफ्ट, बेल्ट और बैक साइड यानी पीछे का भाग बता चुकी हूँ। आज मैं आपको आस्तीन का भाग कैसे कटिंग करते हैं, आस्तीन का फर्मा ड्राफ्ट किस तरीके से बनाते हैं, कैसे काटते हैं, आज मैं बताऊंगी। जिसका ब्लाउज पूरा तैयार करके और कटिंग करके मैं आपको बताऊंगी वीडियो के माध्यम से जिसके प्रकार ये हैं। चलो तो फिर पेपर के माध्यम से आपको आस्तीन का फर्मा काटने का सही तरीका बताने जा रही हूँ, जिसके प्रकार ये हैं। किस तरह से फर्मा काटते हैं बहुत ही आराम से कटिंग करके दिखाऊंगी, जिसमें आपको सीखने का मौका मिलेगा। ये पेपर है, पेपर का अपना एक पेज लेना है तो गोल्ड है, बाकी का पेपर आपको रख देना है, पिछले ड्राफ्ट के काम आएगा। जो कि पेपर इस तरह का है, इसको आप चौथाई भाग में मोड़ना, क्योंकि अपने को दो आस्तीन निकालनी है। तो दो आस्तीन में आप किस तरीके का फर्मा ड्राफ्ट निकाल सकती हैं, इस तरीके का आपको आस्तीन इस तरीके का मोड़ना है। ये इसको मोड़ के आपकी आस्तीन की लंबाई क्या बताया था हमने, 32 सीने का चेस्ट की कटिंग की, इसकी लंबाई 14, सीना 32, कमर 28, शोल्डर 12 और आस्तीन लंबाई 5.5 और मोहरी आपकी है 6 इंची। तो लंबाई 5.5 इंच, मोहरी 6 इंच, लंबाई हम देखेंगे 5.5 इंच की लंबाई आपको आस्तीन की रखनी है और 32 का सीना, 32 का चौथाई 8। तो आप चौथाई से नहीं चलेंगे, जो आप पिछले ड्राफ्ट में जो काट चुकी हैं। तो आस्तीन काटने के लिए आपको आर्म होल की इस कटिंग का, जो इस कटिंग रहती है आर्म होल की, इसकी नाप लेकर के इस तरीके की आस्तीन की कटिंग होती है, जिससे आपका शोल्डर, आर्म होल या फिर आस्तीन के मुड्ढे नहीं खिसकते। आपको इस तरीके से इस कोने की नापी लेनी है कि आपकी कटिंग कितनी है, उस हिसाब से आप आस्तीन बना सकती हैं। आपकी आर्म होल की कटिंग है 7.5, तो आपको 7.5 से 1/2 इंच बढ़ा करके रखनी है। और क्योंकि है ना, बढ़ाने के बाद आपका आस्तीन जो है आपकी कम ज़्यादा नहीं होगी। यदि आप 1/2 इंच और बचा सकती हैं, मार्जिन रख सकती हैं, तो उसमें नुकसान नहीं है, क्योंकि आप कटिंग कर सकती हैं कपड़े का। यदि कपड़ा कट गया तो ख़राब हो जाता है, इसलिए कपड़ा थोड़ा सा 1/2 इंच 1 पॉइंट ज़्यादा ही रखना है। तो अपनी कटिंग आर्म होल की है 7.5, तो आपको 8 की आस्तीन रखना है। 8 की आस्तीन की आपको इस तरीके का निशान लगाना है, 8 इंची चौड़ाई, और आपके आस्तीन की लंबाई है 5.5, 5.5 इंच में निशान लगाना है, और आस्तीन की लंबाई के लिए 1.5 इंच का मार्जिन रखना है। तो 5.5 से 6.5 इंच और 7.5 इंच, इस तरीके का आपको मार्जिन रखना है। तो 7 इंच में ये निशान लगाना है, 1.5 इंची का मार्जिन और 5.5 इंच की लंबाई। और जो आप ये 8 में निशान लगा था, 8 इंची में, इसको 7 में से 3 को घटा करके लगाना है। तो 7 में 3 घटाए तो आपको 4 इंच पे यहाँ से निशान लगाना है, यानी आपकी खंदी को 3 इंच गिरा करके निशान लगाना है। इस तरीके का निशान लगाना है। आप मोहरी है 6 इंच, तो 6 इंच पे निशान लगाना है ये, और मार्जिन सिलाई का रखना है 1.5 इंच, तो 7.5 इंच पे निशान लगाना है। अब आपको इस इंच से 3 इंच खंदी गिराते हुए इस तरह का निशान लगाना है, और ये सीधा निशान। अब ये कटिंग करने के लिए आपको मैं बताने जा रही हूँ, ये एक्स्ट्रा कपड़ा है तो आप निकाल देती हूँ, क्योंकि आपको कटिंग करने में बहुत आसान रहेगा, इसलिए मैं कपड़ा निकाल देती हूँ। अब इसको करना क्या है कि जो आप मार्जिन रखी थी 1.5 इंच, और 1.5 इंच का मार्जिन दबाने के लिए जो अपनी पट्टी, तुरपाई पट्टी रहती है,
उसको इस तरह का मिलाना है, ऐसे इतना फोल्ड करके आपको पट्टी निकालनी है। यदि फोल्ड करके कटिंग नहीं करेंगे तो आपके पट्टी में झोल आएगा, सल आएगा और तुरपाई करने का आनंद नहीं आएगा, पहनने में मज़ा नहीं आएगा, इसलिए आपको इस तरीके से कटिंग करनी है। ये कटिंग सही एकदम सटीक बताने जा रही हूँ मैं आपको, बहुत ही आराम से काटिए, बहुत ही आराम से मेरा वीडियो देखिए। ये इस तरीके की कटिंग काटते हैं स्टेन की, ये आपको अब ये कटिंग हो गई जो इधर है, ये आपका निशान हो गया। यहाँ से आपको तुरपाई की पट्टी मोड़नी है। अब यहाँ पे निशान लगाना है मच्छी कट, जो मछली के आकार का रहता है, तो आपको एकदम बीच में निशान लगाना, इस तरह का आप मोड़ सकती हैं, जो कि आपका फर्मा है, कपड़ा है, और यहाँ पे निशान लगा सकती हैं। एक इंच पे इस तरीके का निशान लगाना है, इस कोने से लेकर के इस बीच में इस तरीके का टिक टिक करते हुए आपने एक इंच पे जो निशान लगाया है उसको इस तरह का आपको मिलाना है, इस तरीके से मिलाना है, ये आप मिला दें। अब इसको इस तरीके से काटना, जो आपने मच्छी निकाली है तो एक फोल्ड अलग अलग भाग में करके स्टील, और इधर से ये मार्जिन वाले को सीधा कटिंग करना है, जो 1.5 इंच का मार्जिन है उसके बाद से आपको इस तरीके का मोड़ करके ये एक कटिंग करते हुए ये बीच में मिलाना है, ये बीच का निशान ऐड कर ये इधर मिला दें। अब ये आपकी आ गई मछली, ये मछली कट हो गई तो समझो कि आपका ब्लाउज परफेक्ट तैयार है। फिर हम इसी फर्मे से आपको कपड़े के माध्यम से कटिंग बताएंगे, और इस इधर से भी इसको यहाँ से जहाँ मार्जिन है इधर सीधा निशान लगाना है, बाकी का आधा कपड़ा आधे इंच का मार्जिन करके इसको मिला देना। इस तरीके से कटिंग करके हल्की सी आधा इंच से कटिंग, मार्जिन का कपड़ा ये 1.5 इंची इसको बराबर मिलाना है। ये बराबर मिल गया है आपका, चाहे तो आप कटिंग करके निशान भी लगा सकती हैं, और ये आपका कटिंग परफेक्ट तैयार है। और जो ये मच्छी कट सामने का भाग, इसको सामने के भाग में आर्मोल में जोड़ेंगी, और ये जो पीछे है ना बैक साइड, उसको यहाँ जोड़ेंगी, जो जिसके प्रकार ये हैं। और जो आपका ये कपड़ा बचता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, जो ये उरेब कपड़ा बचता है, इस कपड़े की आपको गले की पट्टी निकालनी पड़ती है और निकाली जाती है, क्योंकि इसी कपड़े से गले की पट्टी निकलती है, जिसके प्रकार ये पट्टी को उरेब सीधा करना पड़ता है। इसका कपड़ा ऐसा उरेब सीधा करिए ये, और चार पुरत की पट्टी रहती है इसमें, चार पुरत रहते हैं, तो चार पुरत में आपकी गले की पट्टी आराम से पूछ जाती है, चाहे जितना भी गला आप बनाएंगे। ये इस तरीके की है, और इसके मिलाने का तरीका मैं बताऊंगी आपको, जो कि इस प्रकार का मिला के सिलाई लगाते हैं, इस तरह का, इसको कटिंग करके बराबर नहीं करना है, इस तरीके का मिला करके पट्टी जोड़ना है, तो उरेब पट्टी की आपको पाइपिंग लगेगी, जो कि गुलाई है, और एक तरफ का कपड़ा सीधा रखना है, क्योंकि सीधा आप निशा लगाते हो, एक तरफ के कपड़े में आपका उरेब इस तरफ का है, तो दूसरा उरेब इस तरफ का लगाएंगी, इस तरह का लगाएंगे, जैसे एक इधर का उरेब और एक इस कोने का उरेब, इस तरह का निशान लगा करके कि जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। ये गले की पट्टी हमेशा ध्यान रखना, जो आप कटिंग करती हैं, जो आप इसकी कटिंग करती हैं, ये कटिंग करती हैं मुड्ढे की, ये कटिंग होती है जो फिश शेप में रहती है, मछली शेप में, उसी पट्टी से आपको गले की पट्टी, पाइपिंग पट्टी निकलती है। तो मैं आपको इतने आसान और सरल तरीके से अस्तीन बता चुकी हूँ। ये आपका पिछले एपिसोड मैंने बैक साइड का भाग, ये पीछे का भाग निकाला था मैंने, और इसके बाद ये आर्मोल, ये बेल्ट, और ये आपकी टुपकी, और ये पूरा आपका ड्राफ्ट बन चुका है पूरे ब्लाउज का। इस ब्लाउज के माध्यम से आप कटिंग कर सकती हैं, निशान लगा सकती हैं इस फर्मे से, और मैं आने वाले वीडियो में, अगले वीडियो में मैं आपको इसी फर्मे से निशान लगाकर ब्लाउज काट के बताऊंगी, जो कि आप उसी को सिल के तैयार करके बताऊंगी। बहुत ही आसान है, आप घर पे तैयार करती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। हर वीडियो मेरा देखिए, एक एक करके मैं अलग अलग भाग में, अलग अलग उसमें बताऊंगी आपको वीडियो के माध्यम से, और बहुत आसान से आप सिलाई सीख सकती हैं घर पे, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है।
और ड्राप बहुत आराम से बनाना, पेपर से ही बनाना, जो आपके घर में पड़े हुए न्यूज़पेपर रहते हैं न्यूज़पेपर से बनाएंगी तो आपके कपड़े ख़राब नहीं होंगे। बटर पेपर बाज़ार से लाएंगी तो पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि घर पे आराम से आपके न्यूज़पेपर बहुत पड़े रहते हैं, रोज़ आते हैं। इसका उपयोग कीजिए और अपने घर को व्यवस्थित रखिए, कपड़े भी व्यवस्थित रखेंगे, आपकी खुद की सिलाई होगी, खुद का कपड़ा, खुद का पैसा, खुद का समय और खुद के पेपर। तो आप इस तरीके से आप घर पे कर सकते हैं। और मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगी कि जो कटिंग के कपड़े बचते हैं, साइड के कपड़े कटिंग करके बताऊँगी, जो बचते हैं उस बचत में आप कुछ भी घर पे, जैसे आपके गुड़िया हैं, गुड्डा बच्चों को बाज़ार से लाती हैं खिलौने, उसमें आप घर पे सेब दे दीजिए, आकार दीजिए, आस्तीन को निकलते हैं कपड़े कतरन करके, उसमें थोड़ा थोड़ा रुई भर के और घर में गुड्डे गुड्डा सब तैयार कर सकती हैं। जो कि आप घर पे जो बाज़ार से 250-300 का सामान लाएंगी, घर पे आप 100 रुपये में उसी गुड्डा को तैयार कर सकती हैं, और मन भी लगेगा, अच्छा लगेगा और बच्चों को भी लगेगा कि मम्मी हमारा देखो कितनी बढ़िया गुड़िया बनाई हमारे लिए, और बहुत खुशी होगी आपको। और मैं बहुत सारे ऐसे ऐसे टॉपिक बताऊंगी आपको वीडियो के माध्यम से। आप मेरा वीडियो रोज़ देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन बटन ज़रूर दबाइए, क्योंकि आप बटन दबाएंगी, सब्सक्राइब करेंगी तो मेरा वीडियो आपको तुरंत मिलेगा, जैसे मैं वीडियो डालूंगी और आपको तुरंत मिल जाएगा, जो कि बहुत आसानी से देख सकती हैं घर पे। इसी वीडियो के साथ मैं आपके साथ विदा लेती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।